आगे है FMN रेटिंग 847 की टॉप 10 टीवी शो ऑफ द वीक। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा शो नागिन सीजन 6 की इस हफ्ते जो FMN पावर रेटिंग में कौन से पोजीशन हासिल हुआ है और इस शो को इस हफ्ते क्या रेटिंग मिला है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तेजस्वी प्रकाश मेहक से है, सिम्बा नटवाला मनदीप सिंधु प्रतीक से है, स्वर्ग स्टार शो नागिन सीजन 6 में हर हफ्ते ही नई नई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है, जहां पर इस शो को इस हफ्ते जो FMN रेटिंग वीक 47 में जो रेटिंग हासिल हुआ है वो है 816, जहां पर ये शो इस हफ्ते नंबर 8 की पोजीशन पर है। तो लास्टिंग नंबर 9 के पोजीशन पर था, इस हफ्ते नंबर 8 की पोजीशन पर है 816 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। इस हफ्ते नंबर 10 के पोजीशन पर है कुमकुम भाई का रेटिंग से 810, नंबर 9 के पोजीशन पर है भाई का लक्ष्मी रेटिंग से 814, नंबर 8 के पोजीशन पर है नागिन सीजन 6 रेटिंग से 816, नंबर 7 के पोजीशन पर है ये है साहते रेटिंग से 823, नंबर 6 के पोजीशन पर है कुंदली भाई का रेटिंग से 826, नंबर 5 के पोजीशन पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा रेटिंग से 828, नंबर 4 के पोजीशन पर है बिग बॉस 16 रेटिंग से 832, नंबर 3 के पोजीशन पर है गुम है किसी के प्यार में रेटिंग से 836, नंबर 2 के पोजीशन पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है रेटिंग से 838, नंबर 1 की पोजीशन पर है अनुपमा रेटिंग से 851। आपकी फेवरेट शो नागिन सीजन 6 में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां पर एक साथ सारे बड़े एक्टर ने कर दिया है शो सिक्विक, जहां पर अमनदीप सिंधु जो हमें अनमोल के किरदार में देखने को मिलती है, उर्वशी दोनों के जो उर्वशी के किरदार में देखने को मिलता है, जहां पर सिम्बा नागपाल हमें ऋषभ के किरदार में देखने को मिलता तथा प्रतीक सहसपाल जो हमें रुद्र के किरदार में नजर आए थे उसने भी शो को क्विट कर दिया है। तो नागिन 6 में आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा धमाके होने वाले हैं, नए नए कैरेक्टर्स भी एंट्री होने वाले हैं। महक सहल फिर से हमें महक नागिन के किरदार में देखने को मिलेगा, तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है नागिन 6 में जो नया ट्विस्ट आने वाला है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट के लिए।